वाले का कैलाश जी, जनता सिनेमा जो है वो आपका डिपेंडेंस जो एक छोटे प्रोड्यूसर का या छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का डिपेंडेंस है दूसरों पे, वो एकदम आपका ख़त्म कर देता है। क्या होता है कि जनता सिनेमा का प्लेयर जिन सिनेमा के अंदर है उस प्लेयर को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर डायरेक्टली फिल्में दे सकते हो। तो एज ए प्रोड्यूसर, अगर आप छोटे प्रोड्यूसर हो तो आप डायरेक्टली, आपको जब जनता सिनेमा में आप प्रोड्यूसर नियुक्त होंगे तो उसके बाद आपको पूरा लिस्ट दे दिया जाएगा आपके एरिया में कौन से थिएटर्स हैं, उस थिएटरों के अंदर आपकी पब्लिसिटी, आपका ट्रेलर्स वगैरह हम पहुंचा देंगे। उसके बाद आपका जो मार्केटिंग एक्सरसाइज है, क्या होता है कि एक छोटा प्रोड्यूसर पूरे इंडिया में मार्केटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर को जो मौका मिलता है तो वो अपने एरिया में तो कम से कम कर ही सकता है। तो ये जनता सिनेमा छोटे पिक्चरों के लिए और जो जिसके पास बजट नहीं है उसके लिए सबसे ईजी तरीका है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आपको जितने थिएटर हैं उनके साथ डायरेक्ट टच में लेके आएगी, क्योंकि वो जैसे आप रजिस्टर करते हो आपकी फिल्म उनको नज़र आएगी, आपको उनका लिस्ट मिलेगा कि ये एरिया में कितने सिनेमाज हैं, जनता सिनेमा है, उन जनता सिनेमा को कैसे मार्केट करना है। तो हमारे क्लिक के बटन से आप उनको व्हाट्सएप पे आपका ट्रेलर, पोस्टर्स वगैरह सब कुछ भेज सकते हो और आपका मार्केटिंग उधर ही से शुरू हो जाएगा। तो कब से शुरू हो जाएगा ये आपका जनता? सर, हमारा जनता सिनेमा का टेस्ट मॉडल अभी हमने लॉन्च कर दिया है यहाँ पे। हमने आप सबको अवगत किया है कि आज से आप जनता सिनेमा .artini.com जो हमारी वेबसाइट है, jantacinema.artini.com पे जाके आप अपना पर्सनल प्लेयर डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोगों को जो है अपलोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुंबई जाना पड़ेगा, जैसे इफ्को में जाते हैं या केसेरा सेरा जाते हैं, तो इसमें अपलोडिंग किस प्रकार से कर पाएंगे? वो ऑफिस मुंबई रहेगा या इंदौर रहेगा? नहीं, जनता सिनेमा के अंदर अपलोडिंग इतना ईजी है कि आप अपने ऑफिस के अंदर, यहाँ पे जहाँ लोकल ऑफिस है वहीं से आप अपलोड कर सकते हो। आपको एक इंटरनेट लगेगा जिसके अंदर आप अपलोडिंग का बटन दबाओगे, वहीं पर पिक्चर की मास्टरिंग हो जाएगी। अलग जो दूसरी जो एजेंसियाँ हैं वो आपसे 2-2.5 लाख रुपये मास्टरिंग लेती है, इसमें मास्टरिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप जैसे पिक्चर यहीं से अपलोड कर सकते हो और उसका जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आपको इंग्लिश, हिंदी और बाकी की 12 भाषाओं में हम आप दे देंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि आप कैसे पिक्चर अपलोड कर सकते हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि बहुत आसान है, एक छोटा बच्चा कर सकता है। तो आसान होना एक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एसेट होता है। सर, ये दूसरी आपको स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि किसी के पास अगर हॉल है या जगह है तो हम उसके लिए सिनेमा बना कर देंगे, तो इस बारे में क्या बताना? तो हम ये चाहते हैं कि जो इंसान फिल्म व्यवसाय करके पैसा कमाना चाहता है उसको मौका मिले, है ना। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि देर इज एक 1984 की गवर्नमेंट की मिनी सिनेमा पॉलिसी है। वो पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपके पास किसी के पास भी 1500-2000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है, उसके अंदर 100 सीट का सिनेमा बना के तो हम दे सकते हैं। उसकी कीमत 8-10 लाख रुपए में पूरा प्रोजेक्टर, सर्वर, स्क्रीन, साउंड, अकूस्टिक्स और 100 सीटें देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप गांव-गांव में जहां आपको मौका मिलता है, जहां आपके पास कोई हॉल है, जहां आपके पास कोई दुकान है, जहां आपके पास कोई टेरेस है, जहां कोई ओपन एयर एरिया है, वहां पे आप जनता सिनेमा लगा सकते हो और उससे आप व्यवसाय कर सकते हो। गवर्नमेंट से मिनी सिनेमा लाइसेंस लेकर आप उसे व्यवसाय करके टिकटें बेच सकते हो, नई फिल्मों की, फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्मों की टिकटें बेच के आप व्यवसाय कर सकते हो। सर जी, आजकल क्या है, बहुत सारे लोग फिल्म बनाते हैं और होता क्या है कि फिल्म हीरोइन के गांव और हीरो के गांव ही रिलीज होती है, जिसमें प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा खर्चा होता है। अब जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, जैसे पहले बहुत सारी फिल्में बनाते थे और वो बिजनेस भी करती थी, 20-30 रुपये में फिल्म को लोग देख लेते थे। अगर कोई ऐसे छोटे प्रोड्यूसर हैं जिन्हें सिर्फ 10 सिनेमा लेने हैं या 20 सिनेमा लेने हैं, तो ये क्या संभव है जनता सिनेमा में? सबसे पहली संभावना इसमें इसी की है कि अगर आप छोटे प्रोड्यूसर हो और छोटे गाँव में से पिक्चर बना रहे हो तो आप अपने इर्द गिर्द के एरिया में तो आसानी से पिक्चर लगा सकते हो और आपको वो एरिया धीरे 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 बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब हम ये नहीं समझते हैं कि कोई किसी ने देवास में पिक्चर बनाई है और उसके पास बजट नहीं है तो बॉम्बे जाके पिक्चर बेच सकते हैं। तो उनको अपने एरिया में तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का पूरा प्लेटफॉर्म बना के हम दे रहे हैं कि आप अपने एरिया में तो कम से कम पिक्चर बेच सकते हो, आप अपने एरिया में थोड़ा सा ऑटो रिक्शा से प्रमोशन करके या माइक से प्रमोशन करके या कैसे भी प्रमोशन करके, इतनी तो आपकी क्षमता है कि आप इतना ऑडियंस जमा कर सकते हो कि आप अपने एरिया में, अगर आप वहाँ के हीरो हो या वहाँ के प्रोड्यूसर हो तो आप अपने एरिया में तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही सकते हो। और वो सबसे अच्छी संभावना और सहायता जनता सिनेमा आपको करके देगा। सबसे पहले मैडम, जनता सिनेमा, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने ये लॉन्च की।
किया है, क्या कहना चाहेंगी आप जनता से? थैंक यू सो मच। ये बहुत ही यूनिक और अद्भुत टेक्नोलॉजी है, जैसे आपको पता है ये यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी है। मैं इन्हीं का कंटिन्यूएशन बोलूँगी जो उन्होंने लास्ट चीज का जवाब दिया। आज प्रोड्यूसर ने एक छोटी मूवी बनाई है, वो एक पैसे से, एक पैसा चाहे रिसोर्सेज चाहे जो भी हो तक, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसमें उसके लिए पूरे दुनिया खुल गई है, वो अपना मूवी खुद डाउनलोड अपलोड कर देगा अगर उस पर, तो पूरी दुनिया उसकी फिल्म देख सकती है। उसको इतनी प्रमोशन की भी जरूरत है, उसके बाद अपना फिल्म अपलोड कर दिया तो पूरी दुनिया में आज यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी, जो भी फिल्म अपलोडेड है, कोई आदमी अफ्रीका में बैठ के भी वो मूवी देख सकता है और उसको अफ्रीका से भी पैसे आएंगे, जो प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत बड़ा एक साधन है और सोर्स है ऑफ मनी। अच्छा मैडम, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का इसमें तो तालमेल रहेगा कि डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर। मैं बताता हूँ आपको, आप के एक प्रोड्यूसर हो और अगर आपकी पिक्चर कोई नहीं खरीद रहा है तो ये बहुत अच्छी समाधान है। अगर आपकी पिक्चर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर अपलोड करेगा। जो राइट्स आपने दी है वो राइट्स के हिसाब से, अगर आपने पंजाब की राइट्स बेची है तो पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर अपलोड करेंगे। आपने अगर नहीं बेची है और आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है तो आपके लिए सबसे आसान है कि आप खुद ही लोड कर दें, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही नहीं है। सर जी, भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं मैडम जहाँ सिर्फ लोग अपनी भाषा को पसंद करते हैं, जैसे कहीं अवधी है, कहीं असमिया भाषा है आसाम में, वहाँ के लोग सिर्फ अपनी भाषा अपने हीरो को पसंद करते हैं और वहाँ की फिल्म क्या होती है, वो अपने एरिया के बहुत ही बड़े स्टार होते हैं, वो पूरी दुनिया के लोग नहीं जानते। तो ये सिर्फ हिंदी बॉलीवुड के लिए ही रहेगा या जो छोटे छोटे गाँव में जो फिल्में बनती हैं अपनी भाषा की, वो भी इससे रिलीज करा सकते हैं? सब कोई भी लैंग्वेज में आप रिलीज कर सकते हो। आज आप सोचिए, अभी बैठ के लोग पूरा कोरिया का देख रहे हैं फिल्म वगैरह जो है, कोरिया वगैरह दूसरे दूसरे देशों का देख रहे हैं। वैसे ही आप जो भी लैंग्वेज में रिलीज करते हैं, आपने आज जैसे आसाम की कोई पिक्चर आपने उस पर अपलोड किया है, आसामी लोग सिर्फ आसाम में तो नहीं है, पूरी देश में, पूरी दुनिया में है, वो लोग वहाँ बैठ के भी अपने लैंग्वेज का अपने लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने स्टार्स को देख सकते हैं। बहुत ईजी है, सबसे ईजी समाधान है ये। क्या होता है कि रीजनल सिनेमा है, अगर हमने मराठी फिल्म बनाई है जैसे, या कोई आसामी फिल्म, अभी एक रघुपति नाम की बहुत बड़ी हिट पिक्चर आई है आसाम के अंदर, तो वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने बोला भैया आपका जनता सिनेमा दे दीजिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं हमारी पिक्चर। अब उनकी क्षमता नहीं थी कि ये पिक्चर ले जाके अमेरिका के थिएटर बुक करें, तो डायरेक्टली यहाँ से आसाम के जितने भी लोग वहाँ अमेरिका में रहते हैं उनकी डिमांड आ गई। जैसे अभी रॉकी और रानी पिक्चर रिलीज़ हुई है तो वो ओवरसीज़ में सब जगह, अगर जहाँ जहाँ नहीं रिलीज़ हुई है वहाँ से डिमांड आ रही है, अफ्रीका के स्टेट्स कंट्रीज से डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ तो पिक्चर नहीं लग पाई है, या हमारे हम नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज़ हमको ये पिक्चर देखने का मौका मिले। तो ये पूरी दुनिया की पॉसिबिलिटी खोल देती है। जब हम फिल्म अपलोड करेंगे तो उसके जो चार्जेस होंगे वो कैसे आप तक पहुँचेंगे, वो आपको स्कैनर देंगे या कैसे वो जनता सिनेमा तक? देखिए इसका चार्जेस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसका चार्जेस ये है कि $1620 की जो इसकी लागत है वो प्रोड्यूसर भेजेगा पर लोकेशन, जो लोकेशन में पिक्चर भेजेगा उसको $20 देने होंगे, जो आज की तारीख में दूसरी एजेंसियां 16,800 प्लस GST, कोई 25,000 प्लस GST ले रहे हैं, हम सिर्फ $20 ले रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर के पास से लिया जाएगा, जो खरीदार है एग्जीबिटर है उससे नहीं लिया जाएगा। तो जो लोकेशन पे पिक्चर जाती है तो उसके अंदर 1620 रुपया प्रोड्यूसर को देना होगा। अच्छा सर, जो जिसको फिल्म जहाँ पसंद होगी वो उसके हिसाब से रिलीज कर सकता है, कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे रिलीज कर सकते हो आपकी पिक्चर, आप जिसको जहाँ चाहो फॉरेन में भेज सकते हो। हमारे आपको करना क्या है, आपको उनको सिर्फ ये भेजना है कि जनता सिनेमा डाउनलोड कर ले, मेरी फिल्म तेरे को वहाँ दिख जाएगी। तो उस एरिया में अगर आपने उसको फिल्म देनी है तो वो एरिया की राइट्स अगर आपके पास है तो आपकी पिक्चर उसको नज़र आएगी, वो सर्च करेगा तो भाई ये पिक्चर है। तो आपकी फिल्म की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ आप अपनी फिल्म भेज सकते हो उसकी पॉसिबिलिटी आप सोचिए कितनी है पूरी दुनिया में। आप जी, इसमें सेंसर सर्टिफिकेट का कुछ लेना देना रहेगा? 100% पिक्चर सेंसर फिल्म ही जाएगी। राइट्स और सेंसर का, कॉपीराइट का और सेंसर का बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिल्म हम अपलोड नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ UA या कैसा भी एक कैसा सर्टिफिकेट होगा तभी फिल्म लेके इसके लिए? नहीं, जो रेगुलर रूल्स हैं वही हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई हमारा कोई रूल नहीं चलेगा। देखा जाए तो आजकल मुंबई में सेंसर कराना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत से लोग उड़ीसा से कराते हैं क्योंकि वहाँ कोई चेक नहीं करता। तो ये कोई ज़रूरी नियम तो नहीं है कि हमें जो है सेंसर दिल्ली का चाहिए ना, हमको सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ का सेंसर सर्टिफिकेट है वो हम मायने नहीं रखता है। तो ये बहुत आसान, बहुत इजी तरीका है, ना कि प्योर
छोटे प्रोड्यूसरों के लिए बट छोटे सिनेमा के लिए। आज हमने यहाँ मीटिंग में देखा कि कितने सारे सिनेमा वाले परेशान हैं, सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद होते जा रहे हैं, उनके लिए सबसे इजी सलूशन है। इसका सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है कि नई फिल्म के अलावा पुरानी कोई भी फिल्म आप उठा लो, राम तेरी गंगा में नहीं लगा दो, और लगाओ तो लोग देखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मुंबई के अंदर अमिताभ बच्चन साहब की बर्थडे के दिन हमने टिकट लेने की कोशिश की थी, उनकी पिक्चरें पुरानी पिक्चर रिलीज़ हुई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप मानोगे 5 पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मुझे एक की टिकट मिली, 4 की नहीं मिली, और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हूँ। बोले नहीं फुल होगी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज देवानंद साहब के 100 ईयर्स हो रहे हैं, तो कल ये सैटरडे संडे देवानंद साहब के 100 ईयर्स के ऊपर ये लोगों ने देवानंद साहब की 5 फिल्में रिलीज़ की, आपको पता है उसका क्या हास्य है? सब शो हाउस। मेरा एक सवाल थोड़ा फिल्म से हट गया, बताइए ना, ये सोच कैसे मैडम आपके दिमाग में और सती आपके दिमाग में आई भाई? मैं एक एग्जीबिटर हूँ, मैं एक सिनेमा ओनर हूँ, मेरी पैदाइश सिनेमा की है, तो मैं जहाँ जाता हूँ, मैं फेस्टिवल्स में बहुत घूमता हूँ, कांस फिल्म फेस्टिवल में 10-12 साल से मैं जाता हूँ, तो मैं ये सब समाधान, ये सोल्यूशन ढूंढता रहता हूँ कि ऐसा सोल्यूशन हो जिससे कि बिज़नेस बढ़े, सबका फ़ायदा हो, क्योंकि हम ये पेन, हम पहले हमारे ऊपर ये दुख हो चुका है कि पिक्चरें नहीं चलती है तो क्या होता है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जनता सिनेमा की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छा ऐप आप लेके आए हैं जो छोटे सिनेमा शुरू हो जाएंगे। सर जी, तो इसका जो है जो छोटे छोटे सिनेमा और बेहतर लाभ सर जी ने बताया, आप क्या बताना चाहेंगे जनता सिनेमा? देखिए, सब कुछ यूसुफ जी ने आपको बता दिया है, ये एक मुहिम शुरू हुई है जो बंद हुए हुए सारे सिनेमाओं को वापस जिंदा कर सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर छोटी फिल्म नहीं चला सकते थे उनको सरवाइव करने के लिए ये स्कीम है, और इससे जितना जल्दी लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस उनको जल्दी मिलेगा, और हर प्रोड्यूसर छोटे से छोटा अपनी फिल्म चला सकता है, और हर छोटे से छोटा सिनेमा वाला अपने सिनेमा को सर्वाइव कर सकता है कि VPF चार्जेस नहीं है। और ये टेक्निक यूसुफ जी जो लेके आए हैं हिंदुस्तान के लिए वरदान है। हम सोचते हैं कि अगले साल 2 साल में हमारे कम से कम 2,500 सिनेमा होने चाहिए, 10,000 से 20,000 वो तो टारगेट है टोटल जनता सिनेमा। हम कर रहे हैं जो सिनेमा चल रहे हैं उनको हमारा इंस्टॉल। कितने सिनेमा से शुरुआत कर रहे हैं अभी? तो यहाँ से हम अभी यहाँ से लॉन्चिंग है, अभी कोई नवंबर में शुरुआत, हम नवंबर में शुरू कर रहे हैं, अभी रजिस्टर्ड होंगे वो सिनेमा सारे आएंगे, दिवाली से हमारी फिल्म शुरू होगी। अभी तो हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं कि हमारा प्लेयर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करो ताकि आप एक्टिवेट हो गए, जब फिल्म आएगी तो आप उससे चला सको। ठीक है, फोटो ले ली ना।